पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। ये प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपहरण के मामले में 20 दिन बाद भी पुलिस नाकाम। पीड़ित परिवार का आरोप, आरोपी पक्ष द्वारा शिकायत वापस लेने का डाला जा रहा है दबाव। बिहार के सहरसा की वारदात। मेरा भी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार में कहने के लिए जेडीयू आरजेडी कांग्रेस प्रणीत सेक्युलर सरकार है, मगर आए दिन यहां से अल्पसंख्यकों के, दलितों के, आदिवासियों के उत्पीड़न की खबरें आती है। ऐसी एक खबर पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में चल रही है। बिहार के सहरसा जिला के फकराही गांव में ये वारदात घटी है। 17 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की का अपहरण कर लिया गया है। माँ बाप, बच्ची के पिता है मजर खान, इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन 2 सितंबर की इस वारदात को लेकर 20 दिन लगभग ऊपर हो गए, अब तक जो है इस मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं। वहीं फकराही गांव में ही रहने वाला यादव परिवार, रत्नेश यादव इनका परिवार, लगातार मजर खान और उनके परिवार पर दबाव डाल रहा है। उनकी अन्य बेटियों की किडनैपिंग करने की, उनका अपहरण करने की, जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इसके बावजूद सहरसा का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, अन्य सभी प्रशासनिक उच्च अधिकारी मजर खान और इस पीड़ित परिवार की सुनवाई करने तैयार नहीं है। और ये बात मजर खान ने खुद मीडिया से बात करते हुए कही है। क्या पूरी जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर, 17 वर्षीय अपनी बच्ची को अपहरण करने के मामले को लेकर मजर खान ने, वो हम आपको दिखाएंगे। वहीं आपको बता दे कि सहरसा के फकराही गांव में अब समूचा मुस्लिम समाज जो है वो इस परिवार के साथ इकट्ठा हो चुका है और प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपहृत की गई लड़की को खोज निकालने की मांग की जा रही है, वो भी उसे सकुशल घर पहुंचाने की मांग इन लोगों द्वारा की गई है। तो बिहार में जहां एक तरफ सेकुलर सरकार होने का दावा किया जाता है, जहां राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ये पिता पुत्र है, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिनकी ख्याति रही है, और कांग्रेस है मोहब्बत की दुकान वाले राहुल, ये तीनों लोग सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन एक मुस्लिम परिवार धमकियों का शिकार हो रहा है नाबालिग बच्ची का अपहरण किए जाने के बाद। सरवन यादव, रवीन यादव, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, सोनू कुमार, अमर यादव, ये सभी इस 17 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम बच्ची के अपहरण में शामिल बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई गई है और इन्हीं द्वारा अब पीड़ित परिवार पर इस सेकुलर सरकार के राज में FIR पीछे लेने का दबाव बनाया जा रहा है। 2 तारीख को हमारी बेटी मुदस्सा को जब अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, महेंद्र यादव, आई शर्मन यादव जब लेके चला गया तो हम थाना गए न, तो धमकी दे रहा है कि नए आवेदन उठाओगे तो हम आपको सब गोली उठा लेंगे, जो भी है उसको भी हम गोली उठा के हम उठा के ले जाएंगे। पानी तो इतना दिन सब फेंक के खेत ले दाना सुगर है चार, लेकिन हम जाता जे भी तसे बिकवे कर हम का कर हम तो जहाँ बन बजिया जो बन बजिया ऊपर हम तो रोते रहिए।